कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको यूजीसी नेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। इस परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए आयोजित करता है। साल में ये परीक्षा दो बार होती है, पहला जून के महीने में और दूसरा दिसंबर में। जून महीने में जो परीक्षा करवाई जानी है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10 मई यानी कि कल इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 जून के लिए आवेदन प्रक्रिया की तारीख बढ़ा दी है। अब इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 15 मई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया था या किसी कारणवश भूल गए थे वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को नेट की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ugcnet.nta.ac.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाने को लेकर एनटीए ने बताया कि एजेंसी को आवेदन करने की आखिरी तारीख को बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों से कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, इसीलिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब आप 15 मई तक नेट का फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा तारीख को लेकर भी बदलाव किया था। पहले ये परीक्षा 16 जून को होनी थी, लेकिन इसकी तारीख को स्थानांतरित कर इसे 18 जून कर दिया गया। अब 18 जून को पूरे देश में एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा की तिथि के बदलाव के लिए एनटीए ने कारण बताते हुए कहा कि 16 जून को ही यूपीएससी सीएससी की परीक्षा है, इसीलिए दोनों परीक्षाओं की तिथि टकरा रही थी। ये देखते हुए एजेंसी ने परीक्षा की तारीख बदल कर 18 जून कर दी है। यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों को कैटेगरी अनुसार आवेदन शुल्क देना होगा। जैसे सामान्य कैटेगरी वालों को आवेदन शुल्क के तौर पर 1,150 रुपए का भुगतान करना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वाले उम्मीदवारों को 600 रुपए और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले उम्मीदवार को 375 रुपए देने होंगे। तो ये थी आज की काम की खबर। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।